मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम सीताराम, पावन नाम सीताराम सीताराम, माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सियाराम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 25वां सर्ग। लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा वाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदि सहित सब वानरों का वाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर ना किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में नियति काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और ना किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का, अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधु दर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण
वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है, अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आवे। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, किम कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवे। तार, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए, ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हों वे तैयार हो जाएं, वे ही वाली को यहां से शमशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिबिका ले आने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। वहां से शिबिका ढोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिबिका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वह शिबिका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्ममालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब वाली को शीघ्र ही यहां से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने वाली के शव को उठाकर उस शिबिका में रखा। मृत वाली को शिबिका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और्ध्व देहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिबिका चले।
इस भूतल पर राजाओं के औरवदेहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने वाली के औरवदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया। जिनके बांधव वाली मारे गए थे वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए शव के साथ चले। उनके पीछे वाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंग भद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। तदनंतर पाल की ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोक मग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिबिका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहु वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचल वर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। वानर राज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सब को विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? वानर राज, जो तुम्हें परम प्रिय थी वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सब को तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत वाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंग भद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्रीराम ने वाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्रीराम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात वाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्रीराम के पास आए। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 26वां सर्ग, हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना, श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक, तदनंतर वानर सेना के प्रधान प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, ककुत्सुकुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभो, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राजकार्य संभालें। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने इन्हें यों उत्तर दिया, हनुमन सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। हनुमन सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए, इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ, मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है, इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है, यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो
और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुफा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डाणी वाले दो सफेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, कगनी, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैंसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्र वेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगे पुष्प मालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंध मादन, मैंद, द्विविद, हनुमान और जाम्बवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भर कर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रुमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम,
श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सत्ताईसवा सर्ग, प्रस्रवण गिरी पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रस्रवण गिरी पर चले गए। वहां चीतों और मृगों की आवाज गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियां और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थीं और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहां निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, यह पुष्करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काट कर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। तात, देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जल बेंत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थल बेंत, कृतमाल, अमिलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहां तहां सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है।
सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण, मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गर्जते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्वर्ण पर्वत पर, जहां बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप सम्रांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है, वध करने में समर्थ ना हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकुत्स, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृत सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ। तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ
मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूंगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्ति युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले, नरेश्वर जैसा कि आपने कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।